हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पेज नंबर 2। फर्स्ट टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका। स्टूडेंट्स, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा स्टेट जितना है। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके नेबरिंग कंट्रीज फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब है, ऑलमोस्ट हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन जितनी। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कॉम्पोजिशन मीन्स यहाँ के रहने वाले लोगों का में बहुत सी डाइवर्सिटी है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन। 59% लोग जो हैं फ्लैमिश रीजन में रहते हैं एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। दूसरे 40% लोग विलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रह गए कितने? 1%। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब देखो, ब्रसल्स में इसके ऑपोजिट है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% आर डच स्पीकिंग। ब्रसल्स वहाँ की कैपिटल है, वहाँ में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच लोग माइनॉरिटी होने के बावजूद भी दे आर पावरफुल एंड रिच। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन मच लेटर। डच लोगों को उनके कंपेरिजन में इकोनॉमिक कली वो डेवलप भी कम है और उनको एजुकेशन में भी बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। 1950 और 1960 में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट की गई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मीन्स डच स्पीकिंग लोग जो हैं देश में तो उनकी मेजॉरिटी हैं, लेकिन सिर्फ के सिर्फ वहाँ की कैपिटल में उनकी माइनॉरिटी है। मीन देश में सबसे ज़्यादा डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और वहाँ की कैपिटल ब्रसल्स में डच कम बोली जाती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं जो कि रिच एंड पावरफुल हैं। नेक्स्ट पैसेज, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अदर कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑल ऑफ यू हैव सीन इन द इंडिया पॉलिटिकल मैप, आपने देखा है श्रीलंका का जो मैप है हमारे इंडिया के बिल्कुल साउदर्न में है और ये एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में है, ठीक है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की पॉपुलेशन भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर इन सिन्हाला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। वहाँ के जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 74% है, तमिल बोली जाती है 18% लोगों में। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल स्पीकर लोगों में भी 2 ग्रुप हैं, दैट इज़ कॉल्ड 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। वहाँ के जो
बहुत पूर्वजों के टाइम के रहने वाले लोग हैं, वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं। वो कितने परसेंट हैं? 13%। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। रेस्ट ऑफ द पीपल्स, रेस्ट ऑफ द लोग जो उतने भी वहाँ पर बाकी के लोग हैं, वो कौन है? इंडियन तमिल्स, जो अंग्रेज़ों के टाइम में वहाँ पर प्लांटेशन का वर्कर बनकर काम करने जाया करते थे। कहाँ पर? श्रीलंका में। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंका तमिल्स आर कंसर्टेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग लोग कौन हैं, कौन से धर्म के हैं? बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। 7% लोग क्रिश्चियन हैं जो कि तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। दोनों कम्युनिटीज के बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकर्स लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बढ़ते ही रहे। दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मनोबत यहाँ तक आ गई कि देश का बंटवारा हो जाए। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। दोनों कम्युनिटी की लोग जो हैं वो चाहते थे कि ब्रसल्स पर उनका होल्ड हो जाए। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एंड इवन बिगर मेजोरिटी। अब श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला स्पीकर कम्युनिटी ज़्यादा थी। वो लोग हर तरह की फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे थे, हर तरह के बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपन्ड इन बोथ दीज कंट्रीज। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, यू कैन सी इन द मैप ऑफ पेज नंबर 2। नाउ पेज नंबर 3, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक है ये, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, पेज नंबर 3। श्रीलंका एमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका कॉलोनियल पावर से 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे हमारा इंडिया कंट्री 1947 में हुआ, तो श्रीलंका 1948 में हुआ। इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन एज सिन्हाला सुपर मैसी। वहाँ की सुपर मैसी गवर्नमेंट कौन सी थी? सिन्हाला। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया एंड डिसगार्डिंग तमिल, और तमिल को डिस्कार्ड कर दिया गया। सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड एंड कंट्री विल फॉलो मीन्स पीपल बुद्धिज्म। कंट्री में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, सिन्हाला कंट्री के जो सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स डिक्लेयर की गई, यूनिवर्सिटीज़ में उनको हर तरह की एडमिशन के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए, और बुद्धिज़्म को पूरी तरह से उन्होंने पूरी कंट्री में लागू कर दिया कि कंट्री के पूरे सिटीजन्स जो हैं वो बुद्धिज़्म धर्म को ही फॉलो करेंगे। द फीलिंग्स ऑफ श्रीलंकन तमिल डेलिनेशन अमंग दैम। अब
श्रीलंकन तमिल जो थे उनमें बहुत सी मतलब बहुत अलगाव की भावना आ गई, वो अपने आप को बहुत नीचा समझना शुरू हो गए कंट्री में। सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। सिन्हाला लोग जो थे अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए बड़े सेंसिटिव थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। इन्हीं सब मैटर्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी में बहुत भयानक जो है रिलेशंस बन गए। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ, दोनों सॉरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ किसी तरह का भी कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टी लॉन्च की जिसमें वो स्ट्रगल करने लगे कि तमिल्स को तमिल लैंग्वेज भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, फॉर रीजनल एटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। उनको भी जॉब्स में और अदर अपॉर्चुनिटीज़ में, एजुकेशन में और उनको इक्वालिटी मिलनी स्टार्ट हो जाए देश में, जैसे कि सिन्हाला स्पीकर्स को हर तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में विश्वास नहीं रहा, टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है देश में शुरू हो गए। इट सून टर्न्ड इनटू कोल्ड वॉर, देश में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई जिसको सिविल वॉर का नाम भी दिया गया। थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ साइड्स हैव बीन किल्ड, बहुत से लोग इस उसमें मारे गए क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो गए। मिलिटेंट्स के रूप में लोग चेंज हो गए। मैनी फैमिलीज टू द फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी, बहुत से फैमिलीज को देश छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ, श्रीलंका एक अच्छी इकोनॉमी डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ से जाना जाता है कि श्रीलंका कंट्री इज़ अ डेवलप कंट्री, बट द सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन सिविल वॉर के दौरान कंट्री जो है इकोनॉमिकली भी डाउन हुआ, कंट्री का कल्चर भी ख़त्म होने लगा, जिससे कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी हैव रेड द बेल्जियम एंड श्रीलंका सिचुएशन।